डूंग वेल एज द टाइटल सजेस्ट दिस रीडिंग इज अबाउट योर करियर स्पेशली जो आपका करियर है सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कैसा रहने वाला है आपकी जॉब बिजनेस या एजुकेशन एजुकेशन में आप क्या अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो अचीव एग्जाम्स एटसेट्रा प्रमोशंस एनी थिंग एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू करियर इज गुन बी डिस्कस्ड इन दिस रीडिंग सो so, ये जो रीडिंग है ये आपके मून साइन पर बेस्ड है आपका मून आपके वैदिक बर्थ हॉरस्कोप में किस साइन में प्लेस्ड है उस बेसिस पर ये रीडिंग होने वाली है अगर आपको नहीं पता आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप में मून कौन से साइन में प्लेस्ड है देन यू कैन इवन चूज फ्रॉम दिस कार्ड्स सो जो सबसे पहला आपका सबसे पहली पाइल है वो आपकी होगी मून इन सात्विक साइंस यानी कि मून इन द साइंस लाइक कैंसर लियो सजिटेरियस या पाइसिस और ये जो ब्राउन कार्ड uh, है इस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज नंबर ट्वेल्व ये आपका पायल नंबर वन का कार्ड होगा जो पायल नंबर टू है वो होगी आपके मून इन योर रजासिक साइंस यानी कि एरी स्टोरस जेमना या फिर लीब्रा में से अगर आपका मून किसी एक साइन में प्रेजेंट है in your Vedic birth horoscope then you have to choose pile number two and this is the card peach inhaler death of life 19 so that's there when it comes to your pile number three to indigo improve your vision number 40 is your pile jo hai your tamasic signs moon in tamasic signs like virgo scorpio capricorn or aquarius so मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम और अभी मैं इसका लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट, ऑलराइट? hello pile number 1 so this is your reading you chose the brown established boundaries number 12 card and your moon is placed in the signs in the satwik signs like cancer leo sagittarius or pisces so why these signs are satwik because sun moon and jupiter rules these signs and sun moon jupiter are uh, are uh, सात्विक साइंस बिकॉज जुपिटर इज़ अ बिग ग्राह फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट प्रोटेक्ट्स हर अर्थ फ्रॉम म्यूटोर अगर जुपिटर नहीं होता तो हमारी अर्थ कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती देन सन जो है इट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन के बिना हम यहाँ नहीं होते सन के बिना लाइफ नहीं होती सन इज़ आर नेचुरल आत्मा कारका एज वेल सोल सिग्निफिकेटर एज वेल एंड सन इज़ आर फादर विदाउट फादर हम यहाँ नहीं होते मून मून रिप्रेजेंट्स आर मदर मून जो है मदर के बिना भी हम यहाँ पर नहीं होते मून कंट्रोल्स आर लिक्विड इन आर बॉडी एंड मून कंट्रोल्स वाटर ऑन दिस भूमंडला बेसिकली द हाई टाइड लो टाइड कम्स बिकॉज ऑफ द मून राइट सो द साइन ऑफ कैंसर इज रूल्ड बाय मून एंड कैंसर रिप्रेजेंट आर पीस ऑफ माइंड इट रीप्रेजेंट्स आर होमलैंड Uh, our comfort. It represents food, nourishment. It represents our moksha. I mean, it's one of the moksha house, so it's it represents our peace of mind. Whenever we see four ten axis may uh, cluster of planet, yeah, ja, or malefic planets in four ten axis, we know that the person have some sort of psychological issues for sure and uh, when it comes to the sign of leo, leo represents our children. it represents good deeds of our past life because it's the purva punya bhava. and uh, the sign of uh, leo or the fifth house also represents our education before graduation, sports activities, uh, sports scale, national level. Par. Uh, the sign of sagittarius represents post-grad education, education which you get after graduation. Masters, PhD, some higher education, specialization in something, publishing, it represents uh, your father as well. It's the house of father, uh, guru, mentors, teachers, preachers, advisors, because Jupiter rules this sign. So Jupiter ke jo significance significance Sagittarius sign ki bhi hai. एज एव टोल्ड यू जुपिटर रिप्रेजेंट्स रीप्रजेंट्स ओके मैंने ये नहीं बताया इस रीडिंग में जुपिटर रिप्रेजेंट्स प्रीचर टीचर एडवाइजर काउंसलर सो यही चीज़ें जो है नाइन्थ हाउस भी रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ सजिटेरियस भी रिप्रेजेंट करता है or sign of sagittarius religion ko represent karta long distance travel ko represent karta pilgrimage travel ko represent karte. sign of pisces is again ruled by jupiter and it's the house of abroad or abroad travel or foreign distant land travel it's the house or the sign which represents dmt experiences spirituality because spirituality is also a natural dmt and uh, sign of Pisces also represents your jail, asylum, monasteries, isolation. Because when you go to foreign distant land, you get isolated from your family. So that's also there. It represents exit, retirement, and uh, it also represents a right eye, right eye, or left eye. Our second house, yeah, sign of Taurus, hota hai so that's there. so if your moon is present, let's say it's present in the cancer sign in the nakshatra of, uh, let's say, punarvasu. so here, first of all, you, in your moon dasha, you're going to travel to distant place with this punarvasu nakshatra whenever moon dasha runs, whether it's uh, yogini, whether it's vimshotri dasha. you're going to travel in this time period of moon. and it represents that you are a person who loves to travel. हु लव टू ट्रैवल एंड यू ट्रैवल विद कम्फर्ट ऑफ़ योर होम आप अपना पिलो लेकर या फिर कोई चीज़ ऐसी घर की लेते हो ट्रैवल करने के टाइम पर जो आपको घर की याद दिलाती रहे एंड पुनर्वासो इज ऑल्सो रिलेटेड टू डूइंग रिपीट रिपेटेड थिंग्स ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में आपको बार 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 सेम एफर्ट करना पड़ता रहे मतलब पहली बार जो फर्स्ट अटैम्प्ट हो मोस्ट ऑफ टाइम फेल होता है सेकेंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट जो होता है आपका वो कुछ आपको देखे जाता है अदरवाइज जो फर्स्ट अटैम्प्ट तो होता है ज़्यादातर फेलियर में निकलता है स्पेशली जब धशा रन कर रही होगी मून की इस पुनर्वासु नक्षत्र में फेलियर्स हैपन्स सो दैट्स ऑल्सो देयर एंड वेन योर मून लेट्स योर मून इज प्रेजेंट इन द लियो साइन योर मून कैन बी प्रेजेंट इन द नक्षत्र ऑफ पुरो फेलगुनी सो हेअर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ पर्सन हु विल हैव दिस मॉर्निंग रूटीन विदाउट द मॉर्निंग रूटीन यू कैन नॉट

Uh, Pura falcony also represents again bed. Bed becomes important. Sleep. You kind of like to work on bed, sleep on bed, talk on bed, eat on bed. Bed becomes important. You can sleep thrice a day as well. And if your moon is present in the sign of Sagittarius and in the nakshatra of Purva Shada, you are a person who will have teeth issues, especially when uh, uh, malefic, uh, malefic planets are impacting this moon. So, उसकी दशा में टीथ इशूज होंगे होंगे एंड टाइम टू टाइम यू ऑल्सो गो थ्रू टीथ इशूज एंड वेन एवर टीथ इशू हैपन यू अर गन सी प्रोफेशन सडनली गॉट डाउन और सम हाउ प्रोफेशन में जो है ना कि लॉस हुआ सो मेक श्योर योर टीथ आर इन गुड शेप लाइफ विल बी इन गुड शेप सो इफ योर मून इज प्रेजेंट इन द साइन द साइन पाई इन द नक्षत्र ऑफ उत्तर भद्रपद सो योर यू कैन बी अ पर्सन जो हर चीज़ की डेप्थ में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड यू आर ऑल्सो पर्सन हु कैन नॉट रियली गो और डाइव डीप इन टू बिकॉज द थिंग इज़ यू हैव टू कम आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू गिव सम नॉलेज यू हैव टू इवन इफ यू गो डिग डीप इन स्पिरिचुअलिटी स्टिल यू हैव टू कम आउट एंड टेल अदर पीपल कि ये अगर ये स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करोगे तो इसके ये फायदे हैं इतना मजा आता है स्परिचुअलिटी फॉलो करने में सो यू आर ऑलवेज गोड अ कम बैक आउट इन द वर्ल्ड एंड स्प्रेड दैट स्पिरिचुअल नॉलेज टू अदर पीपल बट यू रियली कैन नॉट डायरेक्टली जम्प इन टू द स्परिचुअल ओशन यू हैव टू कम आउट एंड वी ऑल्सो सी दैट यू आर अ पर्सन हू इज ऑल अबाउट गिविंग बिकॉज उत्तर भद्रपदा का नक्षत्र आने वाले इज अ काज ऑलवेज अ गिवर सो यू आर द वन गिव्ज इन द रिलेशनशिप And you provide most nourishment in the relationship, and uh, we also see that uh, this is a Lakshmi nakshatra because of the giving quality of Uttara Bhadra. So as soon as you get married, you are gonna see that somehow, some way, either you got a promotion, your spouse got a promotion, somehow wealth came in life, more wealth came in the dwelling. So that can be seen. So let's just get started. apne brown card choose सो so, जो ये सितंबर का मंथ है सितंबर 2021 जो है आपका ये करियर के मामले में क्या लेकर आ रहा है आपके लिए जो करियर है पाइल नंबर वन का सितंबर 2021 में एजुकेशन या फिर जॉब या फिर बिजनेस कैसा रह रहा है तो वी हैव द चैरियट कार्ड वी हैव द स्टार कार्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ पेरिकल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैरियट कार्ड डेफिनेटली शोज दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन योर करियर और यहाँ पर जो है आपके ट्रैवल भी नज़र आ रही है बिज़नेस रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है आपकी जॉब आपके बॉस ने आपको कहीं भेजा है ट्रैवल के लिए कोई बिजनेस डील के लिए या फिर आप एजुकेशन की वजह से ट्रैवल कर रहे हो मे बी आपका एग्ज़ामिनेशन जो है कुछ किलोमीटर आपके घर से दूर है यानी कि 50, 60 या 100 किलोमीटर्स आपके घर से दूर है तो आपको एग्जामिनेशन देने के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर नज़र आ रही है यहाँ पर वी ऑल्सो हैव द स्टार कार्ड विच डेफिनेटली शोज आपकी जो विशेज एंड डिज़ायर्स है वो फुलफिल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है जो भी आप चाहते थे जो आपने मांगा था जो विश और डिज़ायर आपकी थी वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर और यहाँ पर पेज ऑफ पेंडिकल्स है जो कि रिप्रेजेंट करे स्टेबिलिटी आना आपकी लाइफ में स्पेशली अगेन इन जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन एंड बिजनेस ऑल्सो एजुकेशन तो एक प्रोसेस है एक एजुकेशन लेना एक प्रोसेस है वेर एज अगर आप एक जॉब में पहुंच जाते हो तो आपको उसमें जो है सेटिस्फैक्शन हो रही है आपको उसमें स्टडी ग्रोथ मिल रही है तो यू आर सेटिस्फाइड इन द जॉब इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट ग्रोथ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू आर अनसेटिसफाइड तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन नजर आ रही है स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपके करियर में जॉब में बिजनेस में एजुकेशन में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ट्रैवल यहाँ पर आपके एजुकेशन रिलेटेड भी नज़र आ रहा है जॉब बिजनेस रिलेटेड भी यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है विशेष डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही हैं यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर वन के एजुकेशन और उनके जो यू नो जॉब बिजनेस है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन वी हैव द मून कार्ड वी हैव देंग वन वी हैव द नाइन ऑफ पेनिकल्स एज़ वेल नाइन ऑफ पेनिकल्स इज़ अ वेरी वेरी अबंडेंट कार्ड तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आएगी आपके एजुकेशन जॉब रिलेटेड करियर रिलेटेड वी हैव द हैंग वन यहाँ पर थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है ऐसा हो सकता है जो चीज़ आप बड़े ऑर्थोडॉक्स वे से कर रहे थे जो सारे कर रहे थे वैसी चीज़ आप कर रहे थे बट अगर आप कोई न्यू क्रिएटिव चीज़ करो तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रही है कोई आप अपना क्रिएटिव टैलेंट लगाओ अपने काम में उसके थ्रू आपके जो विशेज एंड डिज़ायर्स है वो और अच्छे से फुलफिल होंगी और आपको और सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे यहाँ पर द मून कार्ड भी है मून कार्ड मून रिप्रेजेंट्स वेल्थ लिक्विड मनी बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स लिक्विड तो लिक्विड मनी यहाँ नज़र आ रहा है कि जो मनी है आपके पास आ रहा है एंड देर इज दैट फ्लो ऑफ मनी अगेन फ्लो लिक्विड वाटर मून रूल्स वॉट द कैंसर वाटर साइन तो यहाँ मनी आता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और डेफिनेटली मनी इज कमिंग इन वेव्स कभी ज़्यादा कभी कम बट यहाँ पर जो है आपके लिए अगेन सक्सेस ही ज़्यादा नज़र आ रही है आप अपना काम थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स वे से करो कोई न्यू तरीके से करो वो नया तरीका आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट देकर जाएगा और एजुकेशन के लिए एग्जामिनेशन के लिए मुझे यहाँ ट्रैवल नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपके लिए आपकी लाइफ में जो सिचुएशनस होंगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी काफ़ी फ्रूटफुल ही होंगी काफ़ी आपके फेवर में होंगी ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है और जहाँ आपने ब्राउन कार्ड चूज़ करा है

हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके बढ़ रहे हो ये बात ठीक नहीं है अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना लें अपने आप को इतना भी ड्रेन नहीं कर देना कि फिर उसके बाद कहो कि पैसे तो आ गए और अब वो पैसे दवाइयों पे खर्च हो रहे हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज़ भी आपने बनानी है कि मैं जो हूँ इतना और इतने से इतना काम कर सकता हूँ और इतना ही काम कर सकता हूँ ये मेरी कैपेसिटी है ऑफकोर्स ये जो कैपेसिटी है इसको भी इंक्रीज़ करना ज़रूरी है अच्छी बात है अपना जो काम है उसके काम की कैपेसिटी इंक्रीज़ करना थोड़ा वक्त इंक्रीज करना या स्पीड बढ़ाना अच्छी बात है बट मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ के साथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो और अपने आप को अगेन एग्जॉस्ट ना कर दो सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंसिस यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मनी जो है वेव्स में आ रहा है और जो यहाँ पर विशेज एंड डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल हो रही है आपकी गाइडेंस जो है टेरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इस वीक हम मेजर आरकाना से ये देखेंगे टेरो जो है पाइल नंबर वन को यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहता है ऑल राइट वी हैव द टेम्परेंस का टेम्परेंस रिप्रजेंट्स बैलेंस इट ऑल्सो रिप्रजेंट्स योर पेशेंस इट रिप्रेजेंट्स की अपनी वर्क लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ लोग आप में से अपने आप को एग्जॉस्ट कर सकते हो और फिर बाद में ये रियलाइज़ होगा कि मैं ये इतना सब कुछ कर ही क्यों रहा था ये मैं रेस में दौड़ ही क्यों रहा था जब ये रेस थी ही नहीं इसमें मैं अकेला ही दौड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि मेरे पीछे कई लोग हैं तो मैं उनसे फास्ट दौड़ना चाहता हूँ मैं जीतना चाहता हूँ तो मैं फ़ास्ट दौड़ रहा था बट देन यू रियलाइज कि अरे कोई पीछे था ही नहीं मैं ही अकेला दौड़ रहा था तो लाइफ इज़ नॉट अ रेस लाइफ इज़ नॉट अ रेस इट्स अ जर्नी धीरे भी हो जाओगे तो भी आप जो हो अपनी फिनिश लाइन तक पहुंच जाओगे जहां पे लगे रेस्ट चाहिए वहां पर रेस्ट कर लो धीरे धीरे चल लो पर चलते रहो कि अगर चलोगे तो कहीं पहुंचोगे अगर रुक गए तो फिर रुक ही गए फिर कहीं नहीं पहुंच सकते धीरे धीरे चलो एक बैलेंस बना के चलने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है और ओवर ऑप्टिमिज्म की भी यहाँ पर बात है ओवर ऑप्टिमिज्म भी अच्छा नहीं होता ऑप्टिमिज्म इज़ गुड बट ओवर ऑप्टोमिजम इज ऑल्सो नॉट गुड सो उस पर उस पॉइंट पर भी ध्यान देने की यहाँ पर गाइडेंस से बात है ऑलरेडी सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर वन एंड आई शैल सी यून द नेक्स्ट रीडिंग तब तक के लिए बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी हेलो पाइल नंबर टू सो दिस इज़ योर रीडिंग यू चोज द पीच कार्ड इन हेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ नंबर नाइनटीन एंड योर मून इज प्लेसड इन द साइंस लाइक इन दी रजासिक साइंस लाइक एरीज टोरस जेमना एंड लीब्रा वाई दीज साइंस आर रजासिक बिक दीज साइंस आर रूल बाय मार्स दी फाइटर अबिलिटी और यू कैन से फाइटिंग एबिलिटी विल पावर वेलर इन सब चीज़ों को मार्स रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ें हमें भूमंडला पर चाहिए कुछ अचीव करने के लिए विल पावर चाहिए ना वेलर चाहिए ना ब्रेवरी चाहिए ना ये सब मार्स रिप्रेजेंट करता है एंड मार्स रूल्स द साइन ऑफ एरीज साइन ऑफ एरीज रिप्रेजेंट आर फिजिकल बॉडी अगर हमारी फिजिकल बॉडी फिट नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे कुछ भी नहीं कर सकते फिर हम क्योंकि हमारा शरीर हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं दे रही है तो एरीज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स आर फिजिकल बॉडी इट रिप्रेजेंट्स आर इंडिविजुअलिटी हुर बी इन द वर्ल्ड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ फेम फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स फेम टेंथ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट फेम फर्स्ट हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट फेम second house or the sign of taurus is ruled by venus and it represents kutum family assets wealth it represents your tone of speech khane mein aapko kya The savory food sweet food it represents your values what do you value in your life that is also seen from taurus sign or the second house then sign of gemini is ruled by mercury and it is it represents writing skills skills of hands it represents sports activities playing sports with your cousins with your friends Professional sports is seen from the fifth house sign of Leo. Third house, third sign, Gemini sign represents uh, sports activities. Jo hum, apne bachpan mein, apne friend circle ke saath, jo hum khelte, kute, sab kuch. And uh, Gemini sign also represents our cousins, short distance travel, our younger sibling as well. Then sign of Libra or the seventh house represents our spouse. It represents our uh, uh, marriage. It represents marriage contract, business contract. It represents Especially 7th house is the house of business, business partnership because 6th house represents our jobs, 7th house represents our business, 10th from the 10th house any yani, higher form of your profession is actually business. So 7th house does represents business partnership, it represents the people you meet in your life, the people who uh, are in society, who are your are your किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द सेवन हाउस देन इफ योर मून इज प्रेजेंट इन द साइन ऑफ एरीज योर मून कैन बी प्रेजेंट इन द कृतिका नक्षत्र विच इज क्रिटिकल सो कृतिका क्रिटिकल यू आर अ पर्सन क्रिटिकली एनालाइज थिंग्स यू आर अर्सन क्रिटिकली सीज अदर पीपल और जब हम किसी को बड़े ध्यान से देखते हैं तो हमें उसकी कमियां कमजोरियां सब कुछ कमी कमज़ोरी दिखने लग जाती है अच्छाइयाँ भी दिखती है पर कहीं ना कहीं कमी कमज़ोरी जो है वो ज़्यादा दिखने लग जाती है सो क्रिटिका पीपल इफ योर मोन इज़ इन क्रितिका यू रेली क्रिटिकली एनालाइज थिंग एंड यू आर वेरी गुड इन एडिटिंग थिंग्स एडिटिंग पिक्चर्स एडिटिंग वीडियोज एडिटिंग पैराग्राफ थ्री पेज पैराग्राफ अ थ्री पेज लेटर यू कैन कन्वर्ट इन इन टू वन पेज इन दैट लेटर बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल सो वी डू सी दैट यू हैव द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज थिंग्स देन If your moon is present in the Taurus sign, your moon can be in the Rohini nakshatra. Rohini, I mean, Rohini is the nakshatra of dance, music, designing, and luxuries. So you are a person who really want to have these materialistic things in life. You want to really enjoy this life on this um, in this boomandala. So that is seen when moon is in Rohini. Uh, we know that you are a person who would like to wear name brand clothes. Want to have this BMW or Mercedes and these uh, cars, name brand things, so that can be seen. Big house. If your moon is present in the sign of Gemini, your moon can be in the nakshatra of uh, uh, Mrigsera Ardra, or uh, it can be in the nakshatra of Punarvasu as well. So let's say your moon is present in the nakshatra of Punarvasu. इन द जेमेनाय साइन सो वेन एवर मून धशा रन यू अगर सी दैट यू काइंड ऑफ विल ट्रेवल यू विल एक्चुअली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल विल भी देअ फॉर श्योर बिकॉज ये जो जेमेनाय साइन में पुनर्वासुन नक्षत्रा है बिकॉज जेमेनाय साइन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है तो आपके काफ़ी सारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर नजर आती है इन योर मून धशा सो दैट कैन बी सीन पुनर्वासु इज द नक्षत्र ऑफ डूइंग रिपीट रिपीटिव थिंग्स सो ऐसा हो सकता है जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो किसी भी काम को लेकर किसी जॉब इंटरव्यू को लेकर किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए वो फेल हो पर जो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा वो आपको ज़रूर सक्सेस देकर जाएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोन इन पुनर्वासु पर्सन हैजू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स पहली बार फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं पुनर्वासु पर्सन के If your moon is present in the Libra sign, we see that your moon uh, can be in the nakshatra of Chitra Swati or Vishaka. Let's say your moon is present in the Swati nakshatra. You are a person again. Swati represents uh, wind, so you can be a devotee of Hanuman, or your mother can be a devotee of Hanuman or Shri Ram. That can happen because Hanuman was the devotee of Shri Ram. And we see that you are a person who like to keep their feet fit, and you also buy shoes. Uh, sneakers you can be obsessed with sneakers shoes footwear especially if this moon is still the ninth degree of libra after ninth degree of libra uh, we can say that yes the person just carry three pair of shoes when they are traveling somewhere uh, they are okay with the shoes but they are not obsessed with the shoes so it depends upon the degree and the padha of course of uh, the nakshatra सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड आपका जो ये सितंबर का मंथ है 2021 इन टर्म्स ऑफ योर करियर एजुकेशन ये कैसा रहने वाला है ये जो सितंबर का मंथ है फाइल नंबर टू का ये कैसा रहने वाला है ऑल राइट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव डेथ एंड रीबर्थ एंड वी हैव पेज ऑफ Swords. कुछ लोग आप में से जो हो अपनी जॉब क्विट करके आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में मे बी आप जिस कंपनी में अभी आप हो वो कंपनी आपको ग्रोथ का इतना मौका दे नहीं रही है क्रिएटिविटी अपना क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन दिखाने का मौका नहीं दे रही है और इस वजह से यूर लाइक आई वॉन्ट माई पर्सनल ग्रोथ सो आई एम लीविंग दिस जॉब इवन इफ दिस जॉब इज पेइंग मी ओके बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड सो आई एम गना लीव दिस जॉब एंड गना गेट सम अदर जॉब स्पेशली क्वीन ऑफ कप्स भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपकी इंटुएशन है वो आपको आपके करियर के लिए सही गाइड करेगी आपको आपके एजुकेशन के लिए भी सही गाइड करेगी कई बार टेस्ट के टाइम पर हमें वो चीज आती नहीं है हमें आ, हमने लर्न करा होता है बट हमें होता है कि इसका आंसर हमें ना मिल नहीं रहा है या सम हाव हमें याद नहीं आ रहा है उस टाइम पे आपकी जो इंटुएशन है आपको बहुत ठीक गाइड करेगी सही गाइडेंस देगी यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आना एक नई जगह पर जाना नया काम कुछ सीखना नई नई यू कैन से न्यू यूनिवर्सिटी न्यू कंपनी समथिंग न्यू यू आर नो विस यू आर लर्निंग तो ये वाली यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए सितंबर में नज़र आ रही है कोई नई चीज़ लर्न करना कोई नई जगह पर जाना और फिर कुछ लर्न करना नया काम सीखना ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है और कुछ लोग आप में से जो हो हॉबी क्लास भी अगेन ज्वाइन कर सकते हो अपने अंदर कोई नई क्रिएटिव स्किल टैलेंट जो है डिवेल्प कर रहे हो पॉलिश कर रहे हो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है ले मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू मे इट कम्स टू योर फाइनेंसिस बेसिकली वेल्थ एंड करियर रिलेटेड ही चीज़ें We have Knight of Pentacles. We have the Moon card here. We also have uh, Knight of Swords here. So, to aap apne competition, obstacle, hurdles, enemies ko cut karte hue aage badh rahe ho I mean the Knight of Swords represents the sixth house because जो uh, swords है first of all swords कब use होते हैं एक तो punishment के time और एक war के time right? और यहाँ पर competitions की बात काफी ज़्यादा हो रही है इस pile में और

एक अच्छी जॉब चाहते हो जो आपको अच्छा पे करे बट मे भी ऐसा हो सकता है सितंबर के मंथ में वो जो आप पेमेंट चाहते थे वो पेमेंट वैसे ना आए बट वो पेमेंट आएगी ज़रूर जो ये नाइट ऑफ पेंडिकल्स है इट्स लाइक दैटन सैटन ऑलवेज डीलेज बट नेवर डिनाइज तो यहाँ पर आपको मना नहीं है बट यहाँ थोड़ा डीले नज़र आ रहा है वेन इट कम्स टू अक्यूमलेशन ऑफ वेल्थ आप चाहते हो कि मैं इतना अक्यूमुलेट कर लूँ मनी इस मंथ में बट कई बार यू नो एक्सपेंडिचर हो रहा है कहीं ना कहीं जो है आप चाहते हो सेव करना जैसे ही सेव करते हो उसी टाइम ही कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता है बिकॉज मून ऑलवेज वैक्स एंड वेन एंड वी हैव द मून कार्ड सो वैक्स मून इज ऑलवेज वैक्सिंग एंड वेनिंग शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में चलता रहता है वैक्स और वेन करता रहता है मून इज़ द कार का वेल्थ एज वेल लिक्विड मनी तो यहाँ पर जो है सेविंग्स थोड़ी यहाँ पर कम हो रही है चाहते हो करना पर एक्सपेंडिचर हो जाता है ये यह चीज़ यहाँ नज़र आ रही है बट वेन इट कम्स टू डीलिंग विद कॉम्पिटिशन हर डिस यू आर यू नो यू हैव दैट विल पावर दैट यू नो वॉट आई एम केपेबल एंड आई विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम और आई विल बी एबल टू कम्पीट विद अदर पीपल एंड आई विल विन तो जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस मंथ आपके अंदर स्ट्रॉन्ग है तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू जो पायल नंबर टू है उनके लिए यहाँ टेरो क्या गाइडेंस देना चाहता है मेजर आरताना से हम ये देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ऑल राइट वी हैव द टावर कार्ड है और यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ कार्ड भी आया हुआ था आई I मीन mean, ये सबसे पहले कार्ड निकले थे और उसके बाद ये गाइडेंस कार्ड भी, भी टावर कार्ड है चेंज से घबराना नहीं है चेंज अगर लाइफ में आता है कुछ सिखाने के लिए आया है कुछ एवोल्यूशन लेकर आया है और ये जो भी चेंज है ये अच्छा चेंज ही होने वाला है ये बुरा चेंज नहीं है तो चेंज से डरना नहीं है अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को करने में खुश नहीं हूँ लीव इट अनटिल एंडलेस कि बहुत ही मतलब ये तो जीने मरने पे बात आ चुकी है अगर ऐसी बात है तो ऑफकोर्स यू हैव टू स्टिक टू दैट थिंग बट इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लीव दैट पर्टिकुलर थिंग टू लीव दैट पर्सन और सम थिंग लीव इट बिकॉज चेंज जो है आपके लिए एक अच्छा एक पॉजिटिव चेंज ही होगा वो अगर आपको लगता है कि आप ये काम करने में खुश नहीं हो और यू नो दैट यू आर फाइनेंशियली ओके यू विल सर्वाइव फॉर सिक्स सेवन मंथस यू हैव द रेंट यू हैवरीथिंग देन चेंज इट देन चेंज गो फॉर द चेंज बिकॉज यहाँ पर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है और चेंज से घबराना नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट भी हड़बड़ी भी यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है तो ऐसे नहीं करना है चेंज से घबराना नहीं है चेंज एक पॉजिटिव चेंज ही होगा आपकी लाइफ में और जो सेविंग्स है जहाँ तक वो धीरे धीरे ही अक्यूमलेट होगी अपने आप पर अपने आप पर इतना प्रेशर नहीं डालना है कि मुझे इतना सेव करना है इतनी मुझे इतने पैसों की तो मुझे एफ डी करानी करानी है इतना मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही करना है ये एक गोल रखो कि हाँ मुझे इतना करना है जैसे होता है जैसे ही होता है वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता है फिर उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कर दो बट अगर जो है वो चीज़ें नहीं हो रही वो मनी सेव नहीं हो रहा है तो उसके बारे में स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि जैसे ही आपने स्ट्रेस लिया तो क्या होगा स्ट्रेस लिया तो यहाँ का सिस्टम गड़बड़ आ गया और फिर जब जो हम एक्शन लेते हैं वो क्या होता है हमारे थॉट का रिएक्शन होता है तो अगर यहाँ से थॉट ही गलत आया थॉट गलत लिया गया थॉट थॉट्स गलत चल रहे हैं नेगेटिव चल रहा है तो डिसीजन क्या होगा वो भी गलत लिया जाएगा और उसका फिर क्या रिज़ल्ट होगा हमारी लाइफ में पे? फेलियर तो हमने यहाँ से अपने आप को स्टेबल रखना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है अपने आप को स्टेबल रखना है अपने आप को खुश रखना है मन को जितना खुश रखते हैं उतना तन स्वस्थ रहता है यानी हेल्दी रहता है और जब तन स्वस्थ मन स्वस्थ तो जो सारे काम हैं वो ईजीली हम कर लेते हैं और उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है इस चीज़ पर ध्यान देना है तो यहाँ पर जो टेरो गाइड करे द टावर कार्ड तो चेंज से घबराना नहीं अगर आपको लगता है मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए ये वाली या स्ट्रीम छोड़ देनी चाहिए गो फॉर इट गो फॉर इट कोई जबरदस्ती नहीं है ऐसी तो ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है नंबर नाइनटीन ऑल्सो बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस मंथ एंड द पीच कार्ड हेयर इज सेंग इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं मन मार के बैठ सकते हो आप इस मंथ गाइडेंस ये मन मारना नहीं है जो मन कहते है उसको दे दो अगर लगता है कि ये ठीक नहीं है तो थोड़ा सा दे दो उसको बॉडी के लिए अगर ठीक नहीं है तो तो बिल्कुल नहीं देनी वो चीज़ सेहत खराब नहीं करनी है पर अगर आपको लगता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा फ्री टाइम देना चाहिए वो दे सकते हो दैट इज़ ओके दैट इज़ ओके इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रेक इफ यू आर फीलिंग लो दैट्स ओके कोई बड़ी इश कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ा इशू नहीं अगर लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ लेट इट बी वक्त वक्त की बात होती है मून इज गन ट्रांजिट इन टू एंड हाफ डेज ओनली मून रिप्रेजेंट्स आर माइंड तो जैसे ही माइंड रेवती नक्षत्रा में आता है या पाइसी साइन में आता है इन रेवती मन कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेशली अगर वो एक्टिवेटेड है आपके चार्ट में उस पॉइंट पर तो कोर्स यू आर गोन फील डायरेक्शन लेस बट आफ्टर टू एंड हाफ डेज थ्री डेज यू आर गो फील नॉर्मल अगेन एंड यूर गोन फील योर सेल्फ अगैन समटाइम वन यू फील लो लेट इट बी काम डाउन यू डोंट नीड टू रियली रन देन ऑल राइट तो इसकी भी यहाँ पर गाइडेंस है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दिल पर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ले रहे हो इस मंथ कि मुझे करना है करना है करना है और गाइडेंस ये है कि शांत हो जाओ अगर मन नहीं कर रहा कोई काम करने का रुक जाओ वहाँ पर एक बार टेक टेक अ ब्रेथ दैट्स दैट्स अ गाइडेंस फॉर यू पाइल नंबर टू कहते हैं कि अगर एक पर्सन आज के डेट में सांस ही ठीक से ले ले उसको रोग होंगे ही नहीं डिजीजेज होंगे ही नहीं हम लोगों को तो सांस ही नहीं लेना आता है यहाँ पर भी ब्रेथ की ही बात हो रही है प्राणायाम कपाल भारती करो तो बहुत ही अच्छा आपका ये मंथ चला जाए क्योंकि कपाल भारती प्राणायाम आपकी टेंशन और स्ट्रेस को रिलीव कर देता है आपने इनहेल पॉजिटिविटी करी और नेगेटिविटी एक्सहेल कर दी ब्रेथ बिकम्स इम्पॉर्टेंट हम तो सांस इतने छोटे छोटे लेते हैं हमें तो सांस भी नहीं लेना आता आज की डेट में तो हमें ये भी नहीं करना आता सोचो तो इस पर ध्यान देना है मैं भी ध्यान दूंगी आप भी ध्यान देना अपनी ब्रेथ पे ब्रेथ को जो है आ, हमने अच्छा अच्छे से सांस अंदर बाहर करना है ये भी आपके लिए गाइडेंस है मैंने भी ये वाली पाइल चूज करी थी तो मेरे लिए भी ये गाइडेंस है ऑलरेडी डियर सो दिस वॉज द रीडिंग एंड आई शल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग तब तक के लिए बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी हेलो पाइल नंबर थ्री सो दिस इज योर रीडिंग यू चोज द इंडिगो कार्ड इम्प्रूव योर विजन नंबर फोर्टी सो आपका जो मून है वो आपके थमासिक साइंस में यानी कि आपका जो मून है वर्गो स्कॉर्पियो के प्रकॉन या फिर एक्वेरियस साइंस में है वाई दीज साइंस आर थमासिक बिकॉज़ वर्गो रिप्रेजेंट्स डेट्स ऑप्सिकल डिजीजेस एनिमीज कॉम्पिटिशन एंड इट्स द प्रारब्ध कारमा एज वेल well, द अनचेंजेबल कारमा एक तरह से यू कैन से जो वो एक एरो है वो बो से अब निकल चुका है अब आपके वो कंट्रोल में नहीं है बस में नहीं है वो चीज़ तो उस अनचेंजेबल कारमा को जो है सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है एंड जो भी प्लान सिक्स हाउस में है लेट्स एोर मून इज इन सिक्स हाउस एंड इफ यू डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मदर टाइम अकॉर्डिंग इवेंचुअली जो आपके मदर के साथ चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ बिकॉज दिस इज एन एपच्चे हाउस एज वेल उपच्चे हाउस गेट बेटर्स विद टाइम सो अर्ली इन लाइफ अगर मदर के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी लेटर इन लाइफ बहुत अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी इफ़ द मून इज प्रेजेंट इन द दिक्सथ हाउस सिक्स साइन वर्गो में भी हो सकता है बट स्पेषली इफ द मून इज इन दिक्सथ हाउस देन इफ इफ आई हैव टू से समथिंग अबाउट द साइन ऑफ स्कॉर्पियो साइन ऑफ स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स योर एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिसिसिज्म तांतरा ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक थिंग्स बिहाइंड द सीन्ंग्स डूइंग थिंग्स बिहाइंड द सीन्स इट रीप्रेजेंट्स योर एसिड्स टेक्सेशंस जॉइंट एसिट्स एसिड्स विच यू हैव आफ्टर मैरिज टूगेदर Uh, as a couple or as a unit and it represents your in-laws, it represents bed pleasures uh, then the sign of Capricorn represents your profession it represents your reputation in the world it represents fame and it represents your workplace is workplace beautiful or like a government office how does your workplace look workplace? and in your workplace females females or males that is also seen from the 10th house and tenth house is also authority. Gains from authority is the eleventh house or the sign of Aquarius. Uh, the sign of Virgo represents your domesticated pets, whereas the Aquarius sign represents the wildlife. Sign of Aquarius also represents your elder brother or basically elder sibling, elder uh, you know sister or elder brother. And it represents your large organizations, it represents your network circle, it represents your father's younger sibling as well. So, that is also there. If your moon is present in the uh, sign of Virgo, in the nakshatra of Uttara Falguni, you can be a person who is, first of all, very, very detail oriented. You are also going to be given a, a stage or a, a platform where you have to stand and speak in front of everyone, and everyone would want to listen to you. सो ऑफकोर्स यू बिकम समबडी हु गिव एडवाइस टू अदर पीपल एज वेल्स वाई अदर पीपल लाइक टू लिसन टू यू गाना भी अच्छा गा सकते हो पर गाना भी हर कोई हर बार नहीं सुन सकता बट अगर वो मुश्किल में है कोई पर्सन और उसको आपकी पीस ऑफ एडवाइस आपका वो जो लेक्चर है वो सेट बैठ गया उसकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा और वो आपके पास आएगा फिर से कि आप उन्हें सलाह दो सो यू आर गन बी इन अ पोजिशन वी आर पीपल कम टू यू For uh, some solutions of their life, you can be a lawyer, you can be an astrologer with the Sutra Falguni, you can be a person who deals with other people's uh, secrets as well. cab uh, if your moon is placed in the Virgo sign in Guni, you can become a CA as well. And you give financial advice. और यू कैन गिव लाइफ एडवाइस बिकमिंग अ लाइफ कोच कैन ऑल्सो हैप इन य्योर इफ यू मून इज प्रेजेंट इन द नक्षत्र इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो इन द नक्षत्र ऑफ अनुराधा फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव इश्यूज इन युअर पाइप लाइन्स ऑफ योर होम तो जस्ट डोंट सी कि मेरी टैप वर्क कर यू ऑल राइट नो सी द पाइप लाइन्स एवरी टू इयर्स चेक यू अर पाइप लाइन्स एंड यू ऑफकोर्स अनुराधा इज द नक्षत्र ऑफ राधा It can happen that you loved someone really dearly with this moon in Anuradha nakshatra and most of the time what happens is, especially moon in Anuradha and Venus in Anuradha, person does not really get the person who they really like to be with. मतलब कोई person आपको बहुत अच्छा लग सकता है अपनी lifetime आप बिताने के लिए उस person के साथ ready हो सकते हैं अपनी पूरी life उस person के, के साथ बिताने के लिए ready. But somehow some way पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है दैट हैपन्स विद अनुराधा पर्सन बिकॉज अनुराधा में बी राधा डिंट कॉट कृष्णा सो वी सी दैट हैपनिंग दैट थीम रली प्लेज आउट इफ यू मून इज प्लेस्ड इन दी लेट्स इन द साइन ऑफ केपरी कॉन इन द नक्षत्रा ऑफ द निष्ठा देन ऑफकोर्स नाम में ही धन है आफ्टर मैरिज सम हाउ सम वे वेल्थ इज ग कम इन योर वेडिंग द अदर थिंग इज यू कैन बी अ पर्सन हु विल हैव म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन योर होम फ्लूट हारमोनियम सितार गिटार समथिंग इट विल बी देयर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बिकम्स रियली यू कैन से लकी फॉर यू इफ यू हैव इट इन योर लिविंग रूम स्पेशली इफ यूर मून इज प्लेसड इन दी साइन ऑफ इक्वेरियस योर मून कैन बी इन द नक्षत्रा ऑफ सतभिशाक यू मे हैव टू गो टू थाउजेंड हीलर थाउजेंड फिजिशियन टू गेट योर क्योर यू जस्ट डोंट ईजीली फाइंड योर क्योर एक तो होता है कि एक डॉक्टर के पास चले गए और आपका इशू रिजोल्व हो गया आपके लिए बिकॉज योर मून इज़ इन सत्य नक्षत्र योर मदर एंड यू हैव टू गो टू डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स टू गेट योर क्योर और जल्दी से किसी बीमारी का क्योर मिलता ही नहीं है माइकल जैक्सन ऑल्सो हैड इज मून इन सत्य नक्षत्र एंड ही डेंट गॉट हिज क्योर ही हैड टू गो टू थाउजेंड हीलर्स थाउजेंड फिजिशियंस बिकॉज दिस नक्षत्रा सिम्बलाइजेस थाउजेंड फिजिशियन एंड थाउजेंड स्टार्स सो मैनी पीपल हु आर इन एविएशन ऑल्सो हैव सत्य विभिशाख नक्षत्रा एंड साइंटिस्ट ऑल्सो हैव सत्य विशाख सो दैट्स ऑल्सो देर लेट जस्ट गेट स्टार्टेड जो आपका सप्टेंबर का मंथ है ये कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर तो जो ये सेप्टेंबर का मंथ है पाइल नंबर थ्री के लिए ये कैसा है ऑल राइट वी हैव द सन कार्ड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्स ओके करियर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आती हुई आपके लिए नजर आ रही है पाइल नंबर थ्री ट्रैवल भी आपके लिए नजर आ रहा है आई मी द वर्ल्ड कार्ड नाइट ऑफ वॉन्स ऑल्सोज आई मीन दे आर रीप्रेजेंटिंग द ट्रैवल हेयर इट कैन भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इट कैन भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बट देयर इज दैट ट्रैवल आप में से कुछ लोग जो हो एजुकेशन में ऑफ कोर्स और अपना एग्जाम देने के लिए भी आपको जो है ट्रैवल करना पड़ सकते है ये भी चीज़ यहाँ नजर आ रही है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सन कार्ड है तो जो भी यहाँ पर आपके लिए न्यूज़ आएगी आपकी एजुकेशन रिलेटेड आपके वर्क रिलेटेड जॉब रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आएगी बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स येस कार्ड एंड सन वहां पर क्लैरिटी है जहां पर सन नहीं है वहां डार्कनेस है अंधेरा है कन्फ्यूजन है यहां पर सन है यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है

आपको आपका पैशन वाला काम नहीं है आप पैशनेट नहीं हो अपने वर्क के लिए और अगर आपने हॉबी भी छोड़ दी डाउनफॉल देखोगे फिर अपने करियर में क्योंकि मन खुश नहीं वहाँ पर काम आप ठीक नहीं कर पाओगे डिसीजन ठीक नहीं ले पाओगे तो फॉलो योर ड्रीम्स एंड फॉलो योर पैशन स्पेशली दिस मंथ आपने कोई ना कोई हॉबी ज़रूर अपनी करनी करनी है उसे एटलीस्ट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक उसे करना ही करना है क्योंकि उससे कुछ ना कुछ अच्छा आपको फ़ील होगा एक जो विनिशन एनर्जी है हमारे अंदर वीनस रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी मर्करी भी जो है हमारे एनर्जी हमारे अंदर मर्करी रिप्रेजेंट स्किल्स ऑफ राइटिंग और स्किल्स ऑफ हैंड्स क्रिएटिविटी अगैन उस चीज़ को हमेशा ज़िंदा रखना है एंड मर्कर इज़ अ चाइल्ड एज़ वेल तभी हम कहते हैं अपने अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रखोगे तो लाइफ बड़ी अच्छी है बहुत ब्यूटिफुल है खूबसूरत है तो वही चीज़ यहाँ पर भी गाइडेंस मिल रही है कि अपनी हॉबी नहीं छोड़नी है अपना पैशन फॉलो ज़रूर करते रहना है ऐसा हो सकता है कि जो पैशन आप फॉलो करना चाहते हो उस पैशन में मनी ना हो तो आपको दो जॉब करनी पड़े बट जो पैशन वाली जॉब है वो करते रहना वो ज़रूरी है टू तो रियली प्रोग्रेस इन लाइफ एंड यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इस मंथ जो है लाइफ में आपके करियर में एक नया साइकिल जो है शुरू हो रहा है पुराना ख़त्म हो रहा है ये यह चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है लेमी पुल सम और कार्ड्स फॉर यू यहाँ पर आपके फाइनेंस को लेकर आपके एक तरह से आई मीन करियर को लेकर ही और जो एक्सपेंडिचर है कोई अगर वो सो वी हैव दी क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वी हैव द एड ऑफ पेनिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ स्वर्ड्स स्वर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है स्वर्ड्स रिप्रजेंट्स कम्युनिकेशन कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है सी स्वर्ड हमेशा एयर साइंस को रिप्रजेंट करता है और हम कहते हैं बिहवा में बातें करना तो एयर में हमारी साउंड वेव ट्रेवल करती है तो यहाँ पर जो है सोच समझ के कोई बात किसी को बोलनी है ऐसा हो सकता है आपकी बात किसी को बुरी लग जाए और फिर वो पर्सन जो है आपको कोई ऐसी बात कह दे, टिट टैट हो जाए और आपको और बुरा लग जाए सो so, अपनी बात जो है दस बार सोचने हैं किसी को बोलने से पहले इसकी गाइडेंस भी है प्लस यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है सो so, स्वॉर्ड कब यूज होती है पनिशमेंट के टाइम या फिर एक वॉर के टाइम तो एक तरह से कट करती हुई निकलती है तो यहाँ पर आप अपने ऑप्स्टिकल हर्डल एनिमीज जो है कट करते हुए आगे निकल रहे हो और किंग और क्वीन स्वॉर्ड्स दोनों की आई हुए यानी यू आर क्वाइट फोकस्ड यू आर वेरी इंडिपेंडेंट इन योर डिसीजन एज वेल यू नो वॉट यू वॉन्ट एंड यू नो वॉट यू डोंट वॉन्ट एंड यू आर कटिंग दोज थिंग्स जो आपको नहीं चाहिए तो अगर कोई बैड हैबिट है आपके अंदर आप उसको भी इस मंथ जो है खत्म कर सकते हो कट कर सकते हो अपनी लाइफ से और यहां पर एट ऑफ पेंडिकल्स भी जो है वो रिप्रेजेंट करे वर्क कि आप काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो इस मंथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कई बार हम चाहते हैं कि हम हार्ड वर्क करें पर हम कर नहीं पाते हैं. हम नहीं कर पाते कई बार हार्ड वर्क कई बार होता ही नहीं हम कहते हैं हमारा मन ही नहीं लग रहा है हो ही नहीं रहा हमसे पर इस मंथ जो है आपका मन भी लग रहा है और आप हार्डवर्क कर पा रहे हो ये चीज यहां नजर आ रही है इस वजह से जो आपकी प्रोग्रेस है आपके करियर में वो काफी तेजी से हो रही है इस मंथ तो आपके लिए यहां पर गाइडेंस क्या है मेजर आर काना की तरफ से गाइडेंस फॉर फाइल नंबर थ्री ऑल राइट वी हैव द एम्प्रेस कार्ड रेस्ट टेक अ ब्रीथ रिलैक्स यह आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर इंप्रूव योर विजन भी है यहाँ पर आपने ऑफ कोर्स ये कार्ड चूज करा है या फिर आपने ऑफ कोर्स अपने मून से चूज़ करा है ये ये पाइल चूज करिए बट ये कार्ड भी इंपॉर्टेंट है इंडिगो कार्ड नंबर फोर्टी बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड इट सेज इंप्रूव योर विजन कुछ लोग आप में से जो हो ऑफ कोर्स आपको आई इश्यूज हो सकते हैं वीक आईज आई इशू कैन हैपन टू यू इन दिस मंथ बट इट्स अबाउट बेसिकली थोड़ा सा जो है फ्यूचर के बारे में सोचना टेंशन नहीं दूरदृष्टा बनना एक तरह से एक है साक्षी दृष्टा एक है दूरदृष्टा साक्षी दृष्टा है कि जब हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन तो हम उससे डिटैच होकर ऐसे बैठ गए हैं क्योंकि कंट्रोल में तो है नहीं परेशान होकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं और दूरदृष्टि है कि हमने फ्यूचर का सोच के चल रहे यानी कि सेविंग्स पे ध्यान देना अगर मैंने आज फाइव रुपीज़ सेव करे कल भी फाइव रुपीज़ सेव करें परसों भी फाइव रुपीज़ सेव करे तो मेरे पास परसों तक कितने हो जाएंगे फिफ्टीन रुपीज़ हो जाएंगे ऐसे जो है ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है तो मनी जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर यहाँ पर गाइडेंस है कि उसके ऊपर ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता हुआ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कोई खर्चा आपका हो जाए और आप चाहते थे सेव करना पर वो सेव ना हो रहा हो बट यहाँ पर सेविंग्स पर ध्यान देना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है इसकी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर थ्री Alright, dear. So, this was your reading and these were the messages coming for you from Tarot and I shall see you in the next reading. Till then, be positive. Stay happy.